अदो आबेन मौज ते सजाओ सपड़ा बेन आ नोय गोल बुन जल्दी बेहतरीन शॉट और ये गोल दूसरी गोल आतावा वीर बजल रन सुपरस्टार खिलाड़ी इनो सूरखो गोलकीपर नुनचन बेचारा चिकाया पहला प्रयास रे रुकाव ले गया लेकिन बॉल छिटके हो चुकी था दूसरी प्रयास रे नुआ दंदनाता हुआ गोल जर्सी नंबर 16 और प्रदीप कुमार जर्सी नंबर 2 और देवीराम कुमार जर्सी नंबर 3 उसी तरह से वीर बजल दुमका के खिलाड़ी रन जो कि इस समय येलो और व्हाइट कलर के पट्टी धारी जर्सी में वीर बजल दुमका के प्लेयर के सूची में जीवन निमार की गोलकीपर श्याम हांसा जर्सी नंबर 14 मार्शल टुडू जर्सी नंबर 8 बिहारी हेमराम जर्सी नंबर 4 अनिल मुर्मू जर्सी नंबर 17 मुमित मुर्मू जर्सी नंबर 7 रायशील सोरेन जर्सी नंबर 11 डेनियल टुडू जर्सी नंबर 9 दिनेश सिमरन जर्सी नंबर 10 अजय किस्कू जर्सी नंबर 6 और लखीराम बेसरा जर्सी नंबर 16 वीर बजल दुमका के सभी बैंक में है साइबरप्रांड जर्सी नंबर 3 अनिल परंडी जर्सी नंबर 5 और राजकुमार मुर्मू जर्सी नंबर 2 तो दक्षिण रखा अपने टीम को जलेक वह हरियर जर्सी रहे रुकु तो हेमराम ब्रदर्स बनका बिहार और वीर बजल दुमका को जलेक वह रुकु संस्था जर्सी रहे उत्तर रखा रहे मिना 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 मैन ऑफ द मैच होना थोड़ा कम बड़ा चुन में वही मैच रहे देवीराम मुर्मू आप हजू में नियम मैच रहे नियम भी घड़ी लहा रहे उसका चलाओ है ना मैच रहे मैन ऑफ द मैच थोड़ा कम ओरिजिन बनाया और मैच स्टार्ट ना मैखा इन तला रहे फ्राज मैन ऑफ द मैच रिया कृषि क्लब नारायणपुर रन गोलकीपर देवीराम फ्राज हो लगी इन नुआ हार डुमरिया रन ग्राम प्रधान देवीलाल सोरेन जी पुनिया थीते मैन ऑफ द मैच रिया फ्राज हटी नुआ मैन ऑफ द मैच आज के फर्स्ट मैच में तालियां होना चाहिए मैन ऑफ द मैच देवीराम मुर्मू गोलकीपर टॉप कृषि क्लब नारायणपुर इन बाद रन कोई चुनाव करे बको गया तो कुलियम बखाय कुलियम आरो खा आले तले चुनाव कुआ सेवान दा हां ओखा दो उनी ने इधर दब काटे मजा आते कान था मिडिल खै नाना रे उड़ैया हाट वाला ये मिडिल महानंद तले चुनाव दिया है महानंद और मी घड़ी लहारिया मैच रे महानंद ओका दो मैन ऑफ द मैच चुनाव करा पुड़ैया हाट टीम रे महानंद महानंद जर्सी नंबर 10 दया करते माम हो स्टेज रही जर्सी रही हजू में इससे पहले के मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं महानंद जर्सी नंबर 10 पुड़ैया हाट जर्सी में ही आप आने का प्रयास करेंगे गणेश अरे कोई कोई पट्टी जानवा प्राज लोपसा और नवा प्राज हटी लगी मानतान लोपसा मुर्मू जी उन्हीं आती थे पड़ैया हाट रन प्लेयर दया करते माउस राजू में महानंद हेमराम महानंद हेमराम जर्सी नंबर 10 पड़ैया हाट तो नोड़े तिहिना दिन रिया तीसरा मैच यहाँ चुको करना फर्स्ट राउंड रिया
और बंका बिहार मीटे टीम से खोय बुन यले क्वार मी से खोय वीर बजल दुमका बड़ा जोंग रिया कथा दो वीर बजल दुमका खोय कोई टीम बुन यले को नुआ ग्राउंड रे 12 साल गान चैंपियन को बना चुको कना बड़ा गया बुन उल बगान डो है नितुम ते हकु गाति चुको कना 12 साल गान को रखा कना ओना खोय लहार हो वाईबीसी रामगढ़ जितुम ते हो आदो कोई बुन यले को दुमका खोय को गाति कान नोको टीम दो उनका टीम कना को एमा धाव नियम मैदान रे अलग अलग जितुम ते की टीम रे सेटर करते नोडे चैंपियन को बना बड़ा उकना आदो नोडे ना अडी मौज नुकुठे अनुभव बिना मैन खान नोडे बुन यल खुआ नुआ पहिल धाव हेमराम ब्रदर्स बंका बिहार चिलका उनको सुमे को गाती खेल 11 नंबर जैसी पहने में राइसिन बॉल को वहां पर लॉफ्टेड शॉट के जरिए पास देना चाहते थे गुमित का अच्छा पास कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और इस वजह से बंका बिहार बॉल को जीतने के बाद हाफ लाइन से मिडफील्डर बहुत ही सुंदर मिडिल में वहां पर पास बढ़ा दिया राम जी के लिए बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी राम जी अच्छा पास निकाला वहां पर बंका बिहार की तरफ से आगे बढ़ाने के फिराक में थे लेकिन वहां बॉल को जीत लिया लखीराम ने और बॉल को वहां जर्सी नंबर 9 पहने हुए बॉल को बढ़ा दिया था जिस तरह से वहां 9 नंबर जर्सी में खेलते हुए दिनेश टुडू दिनेश हेमराम है माफ कीजिएगा आदो नुवा खोई लहार या मैच रे मैन ऑफ द मैच महानंद हेमराम हेसिटा चुको करा और मैन ऑफ द मैच रे अपराज हटी लगी लोकसा मुर्मू जी उन्हीं आती थे नुवा अपराज हटी नुआ चले जोरों की तालियां होना चाहिए मैन ऑफ द मैच पड़ैया हार्ट टीम के स्टार खिलाड़ी दो दो शॉट जिस तरह से पेनाल्टी में शॉट को बचाया था और खेल भी बहुत सुंदर दिखा रहे थे मिडफील्ड से इस साल कुछ अलग है और सालों से ये साल कुछ और अलग है और अलग इसलिए है क्योंकि आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब हाट डुमरिया का ये मैदान आज 25 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं और 25 वर्ष पूरे होने के इस शुभ मौके में हम लोग सिल्वर जुबली वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इस वजह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे यूट्यूबर बड़े बड़े अपने डिजिटल कैमरा सिस्टम के साथ आए हुए हैं उन लोगों को भी स्वागत करते हैं और इस साल हम लोग बहुत ही यादगार पल बनाना चाहते हैं इस सोशल मीडिया के समय में सभी हमारे वीडियोग्राफर सभी हमारे कैमरामैन यूट्यूबर्स सभी का हम लोग स्वागत करते हैं आप इस मैच को कवरेज करें श्याम बहुत ही सुंदर पहली बार आक्रमण अपने फुल बैक एरिया से लंबा वहां पर बॉल को लॉफ्ट कर दिया था गोल एरिया में इसी क्रम में बॉल फिर से मार्शल साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं छोटा सा पास दोनों के बीच बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है गुमित बॉल खेल ले लेकिन बॉल वहां पर राम जी से छीन लिया फिर से और तुरंत ही अच्छा पास रायसिंह खेल ले आज रायसिंह को मैं देख रहा हूं मिडफील्ड में लखीराम बेसरा के लिए बॉल को छोड़ दिया और लखीराम काफी दूरी से ये फायरिंग बेकार जाता होगा फायरिंग रेंज को और नजदीक करना होगा और जिस तरह से पावर पे ये शॉट लगाते हैं ये खिलाड़ी लेकिन इस बार का शॉट काफी ऊपर रहा बात करें नूनचंद सोरेन है गोलकीपर बंका बिहार के ओर से लंबा शॉट बंका बिहार के ओर से बॉल को लेने के फिराक में दो खिलाड़ी इस समय जूझ रहे हैं आखिरकार यहां से बॉल को 50-50 बॉल बनाने की फिराक में थे लेकिन फिलहाल यहां पर डेनियल बॉल को जीतने के बाद तुरंत ही वहां पर थ्रू पास के जरिए साथी खिलाड़ी गुमित कर ले और ये मिडफील्ड के सबसे बजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं अच्छा मौका बना सकते थे लेकिन तब तक वे वहां पर बॉल को क्लियर कर दिया गया बंका बिहार के द्वारा शुरुआती समय से ही दबाव बनाने के फिराक में इस समय नजर आते हुए वीर बजल दुमका की टीम मैंने पहले भी कहा कि वीर बजल दुमका की टीम से जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं बहुत बार इस मैदान में चैंपियन बने हैं वो भी अलग अलग टीम नाम से इस मैदान में जब जब वो पादर्पण किए हैं बहुत कम बार ही ऐसा हुआ है जो कि इस मैदान में वो टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं अन्यथा हर मैच में वो कुछ ना कुछ अपने टीम के लिए अच्छा प्रयास किया है अच्छा प्रदर्शन इस मैदान में उनका इतिहास रहा है इस बार बॉल के लिए वहां पर जूझ रहे हैं
लेकिन आखिरकार 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रायसिन बॉल को आगे साथी खिलाड़ी के लिबास बढ़ा दिया है। फिलहाल यहां पर जर्सी नंबर 10 में दिनेश हेमराव, उनसे भी बॉल को छीन लिया गया, लेकिन 50-50 बॉल के लिए वहां पर इस समय लड़ाई जारी है वहां गुमित, लेकिन गुमित वहां पर लगातार बॉल गेन ले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर से बॉल को सुरक्षित निकाल दिया गया है। मार्शल बॉल को बहुत ही सफाई के साथ अनिल मुर्मू राइट हाफ के खिलाड़ी, फिर से बाहर रायसिन का अच्छा पास, दिनेश यहां पर दो खिलाड़ी को चकमा देने के कोशिश में थे, लेकिन दिनेश को दो खिलाड़ी जिस तरह से मार कर रहे थे आगे जाने से रोका गया और इस तरह से कोई मौका नहीं दिया आगे जाने के लिए, लेकिन शानदार में चलता हुआ तो मनोजदा बना टीम अगर मेलखिन खाए अड़ी संतुलित टीम वेखान इतिहास या पन्नाई मेंदा कि वीर बजाल दुमका टीम हालांकि जुतुम बदल कदा मेनखान नुकु टीम अड़ी धाव नुआ मैदान रे चैंपियन बना हुआ का नुकु टे रिकॉर्ड बिना और उना अनुभव बिना तक आज नुआ ग्राउंड रे आखिरकार चील कहते मैच जीत कर दड़े नुआ टूर्नामेंट का चैंपियन बना दड़े। बिल्कुल सरी एक नंबर आवाज आया कथा कन गया तुसार ओका दुमका रे टीम गना को इसका आवाज नहीं ले रहा है नुआ इसका आवाज आ रहा है ठीक इतना क्लियरिटी टूर्नामेंट रे थैंक यू। हर बार श्री को पार्टिसिपेट करा अलग अलग टीम खान और नेसा दो युतुम दो हुयु कान तकवा टीम रिया दो वीर बजल दुमका लेकिन घातक घातक खिलाड़ी मिना कुआ वहाँ टीम यूनिट रे बुन यलजाम दड़िया एक ना लखीराम जैसा खतरनाक खिलाड़ी दिनेश कुमार हेमरम जैसा खतरनाक खिलाड़ी रायसीन गुमीत हड़ी रिदम रे मिनाया लेकिन मीटे बदलाव इंजल किदा हेमरम ब्रदर्स बाका बिहार से कौन देवीराम अनुभवी खिलाड़ी को लगाव का दिया और सबसे अनुभवी एम कथा खाए ये तो बॉल उठाए पड़ाव का राम जी मिनाया लेकिन ये देखिए 11 नंबर बॉल सही तरीके से रायसीन भाई पास दड़ी दा खतरा टलाओ ना बिहारी टे चिटके कते बॉल चलाओ कना ओका तो बीर बाजार रन खिलाड़ी कना आर हो राम जी न बोले पड़ा कना बाका रन अगर नुका गेंद पोजीशन एम लिखाई खाई 30% या 40% खुद राम जी की बोले अंटा कना वाह नुकु से कोनो मौज मौज खिलाड़ी मिना कुआ खासकर डिफेंस रेम जलेया द्वीप हंसदा और अनुज किस्कू अड़ी मजा हुआ प्लेयर कना किन इसके बाद फॉरवर्ड लाइन से कौन हो यंग स्टार मिना कुआ 16 नंबर रे प्रेम 17 नंबर रे संतोष संतलाल टुडू मिडफील्डर रे मां राम जी बोले पड़ा कना ये देखिए नून वे खिलाड़ी आगे मुन कथा राम जी आगे ये देखिए तीन सुपर पास चंद्रलाल गेंद हाथ से नदी कदा लत लत ते पास कर दिया जीत बरो कर देवी राम अचूर किदा में कदा खतरनाक फूट रहे लेकिन छीना चपटी अचूर 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 किदा भाई परम अचूर दा हर प्रहार है भाई प्रहार लेदा बेक रेन खिलाड़ी राम जी एम खदा रेम जी दो उठाओ खदा हार मौका हुयु कना लेकिन मार्शल सही कलेक्शंस हेड बांग है लेना जबरदस्त क्रॉस था कि ना और उन्हें क्रॉस या फायदा हूँ कुछ आम किदा वाह हाँ नुकाल कहते हैं हेमराम ब्रदर्स बाका विहार रेन खिलाड़ी राम जी मुर्मू गेंदे तो हो कदा थे किदा है थोड़ा बाहर रेंज होगी लेकिन शानदार थे और इनका गोल हुई पूरी संभावना और इसी के साथ धक्का मुक्का के बीच बॉल हता और या चेष्टा होना का काम तिगी मैच रेफरी या विशील बजाओना आनंदो कुड़ा बुनियल दड़े के ना मैच रेफरी के रूप रे गुमी गलत तरीका तो कुरे देख अंत है ना उन्हें इतने गुमी थे कि दाएगी फल और अनिल एम कह दिया अनिल तो फिर से जर्सी नंबर 10 थे बॉल चलाओ कना ओ 10 नंबर वरिया पिया खिलाड़ी देखो रोय दिखना उन्हें वजह से मौका भाई जाम दा रायसीन डायरेक्ट हिट है हिट किदा लेकिन ताकत बांग तहे कना ताकतवर शॉट बांग तहे का लिखाते गोलकीपर नुनचंद सोरेंदो बोले साप किदा वो जम चेम लिखा बम पड़ा रे ये धोय रे ये बल बदल नोवा सा दिखना ये यूट्यूब अरे अरे भगवान छेना चपटी रे अच्छा ठीक गेंद सीमा रेखा के करीब रे
16 नंबर जर्सी का खिलाड़ी थे बॉल चलाओ करना। अच्छा ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं, म्यूट हो जाएगा। ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं, मगर आर्मी दम गेंद सीमारे का कोई बाहर थे। 18 नंबर चपा लग तैयार, चपा किदाए अड़ी जिली, लेकिन आर हो बाका एक क्लियर को कदा। 17 नंबर हो अड़ी सुपर गति के नतुसार कोई दो हुकान संतोष टुडो नेले में तिनो मजा वा खिलाड़ी के ना हाफ लाइन डन खिलाड़ी लगे। ये देखिए तालमेल किनो सही, आर हो 17 ठेगी लेकिन 10 नंबर पीछे आके गेंद वीर बयार लगे ने बनाओ किदा। जी हां बनाई था, बहुत सुंदर सटीक मुकाबला। दोनों टीम जिस तरह से 1-1 में जिस तरह से खेल दिखा रहे हैं और बॉल पोजीशन जिस तरह दोनों टीम बना रहे हैं मनोजधर, इसी बीच में बहुत ही सुंदर थ्रू पास खिलाया है वहां पर दिनेश का। अच्छा मौका दिनेश ने मौका बना दिया था वहां लखीराम के लिए, लेकिन लखीराम थोड़ा सा अंदर चले गए थे और ऑफ साइड का फ्लैग उठ गया था असिस्टेंट रेफरी अमित दास का। बहुत ही जोशीला मैच चलता हुआ बिहारी चेस डाउन करके साथी खिलाड़ी खेले बढ़ाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल फिर से मार्शल मेन स्टॉपर के रूप में ये जाने जाते हैं, लेकिन बॉल के लिए वहां मिडफील्ड तक पहुंच गए हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर बॉल को जीतने के बाद राइट विंगर को खिलाया गया है बॉल, नीचा पास एक बार फिर से आक्रमण के लिए तेजी से वहां बॉल को बढ़ाया जरूर, लेकिन यहां पर जिस तरह से उनके रन के मोमेंट को वहां पर जिस तरह से रोक लिया कौन है? बहुत ही सुंदर तरीके से अपने ओपोनेंट टीम को रोकने में सफलता हासिल किया रायसिन ने, लेकिन इसी बीच बॉल के लिए वहां दो खिलाड़ी समय जूझ रहे थे, आखिरकार बॉल सीमा रेखा से बाहर निकल गई है। इस बार बॉल के लिए बीच मैदान के अंदर में जूझते हुए फिलहाल देखना है वहां पर गुमित। अच्छा पास बिहारी अंदर आ गए हैं बॉल के साथ, बॉक्स के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहां पर वीर बजल दुमका की टीम का आक्रमण, दूर से शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर इस बार गोलकीपर टीम के कैप्टन भी हैं नूनचंद सोरेन, बॉल को कलेक्ट किया, कोई खतरा नहीं। बहुत ही सुंदर मुकाबला चलता हुआ इस मैच में दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के भरपूर प्रयास में। फिर से यहाँ बॉल तेजी से बॉल को थ्रू पास के जरिए बढ़ा दिया था, लेकिन 11 नंबर जैसे पहने हुए खिलाड़ी अपने हाफ से बॉल को क्लियर किया दिलीप फंसदा ने और बॉल चली जाएगी टच लाइन से बाहर। फर्स्ट हाफ का मुकाबला स्कोर अभी तक नहीं हुआ है किसी तरफ से, लेकिन अच्छा लड़ाई देखने को मिलता हुआ। फिलहाल यहां से बंका बिहार की टीम बहुत फाइन गैप में वहां पर पास निकाल दिया है, देखना है यहां पर विंग के खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए जर्सी नंबर 16, लेकिन ऑफ साइड करा दिए जाएंगे। प्रेम हंसदास 16 नंबर में खेलते हुए और अनिल का पास वहां पर गुमित के लिए, गुमित आगे की ओर दिनेश को मद्देनजर रखते हुए वहां पास बढ़ाया था, लेकिन फिर से यहां बॉल मिल गया है प्रेम को। अच्छा पास वहां पर मिडिल में जर्सी नंबर 13 त्रिविराम को देना चाहते थे, लेकिन बिहारी का एक खासियत है मुझे अच्छा लगता है मनोज दा कि बॉल डीप होने से पहले वो पहुंच जाते हैं ताकि ओपोनेंट प्लेयर के पास कोई चांस ना रहे और बॉल टप्पा पड़ने से पहले वहां पहुंच जाते हैं। बहुत ही फुर्तीले डिफेंडर माने जाते हैं, हाफ लाइन के एक मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं। बिल्कुल आम उन्हें बॉल और पढ़ा रगिम रजया तो वे उनिया बुद्धि गिम गोल दिया उनवा जिनिस की ये चिकाय था बिहारी जब बॉल पड़ा करना तो पहले पोजीशन है बनाओ दा भपाओ दाए नुआ बॉल उकाठे टप्पा खिलावा और उनवा कखान तक नुई ज्यादा मेहनत बंग लगावा खना बेल बॉल रेज दे नियो दम दो अनिला पास 11 नंबर रायसिन लगे रायसिन के बाद दो 7 नंबर गुमीत मुर्मू लगे। ये देखिए गुमीत तीनों भीड़ भाड़ रे बॉल उडूंगे मैन जो ने कहता है ना लेकिन उडूक की भाई उडूक दड़ी दा वाह एकदम को हाफ चबाव का हुआ यानी वीर बयार दुमका एकाल तकी को हॉबी के ना छीना छपटी रे तेहन विंगर या कमी नेले कना 11 नंबर और 7 नंबर गुमीत आर रायसिन किन कमी दा आर नोते खोन उना कमी रामजी बकुबीर कमी दा लेकिन ये देखे देवीराम टडा टडू कते की टीम हो जाए डी कदा हो 17 नंबर डायरेक्ट हिट लिया मांग ओ हो संतोष ताकत बांगे लगा दड़ी दा संतोष कुमार टुडू रक्षा पंक्ति बढ़िया गया को बांका बिहार रन फॉरवर्ड लाइन रन हो को बढ़िया गया थोड़ा गान देवीराम में इको काई खाई
बाकी जो तक यंग स्टार करना उना ये थोड़ा गान मेहनत लगाओ को बका बिहार एंड फॉरवर्ड। जी हाँ मनोज दा, आपने सही चीज को यहाँ पर जिक्र किया है। अब देखना है टीम के सीनियर खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी राम जी दो तीन खिलाड़ियों को जिस तरह से वहाँ छकाया और नौन में चीज़ नल्दा नाते नहीं सात नंबर तुलना है हम नाते ससांग बला रहे मीठे खिलाड़ी अतकिर झगो एक बार नाते नहीं हमने लिखा है राम जी जे अबे पड़ा कौन का पिया पुनिया खिलाड़ी को ऐसे दिया और उनका स्थिति रे गैप नाम करना जे एटा खिलाड़ी आपको फ्री फ्री लहा से बोल को दी दड़ी और नुआ की फायदा उठो में जब आमदन खिलाड़ी इन खिलाड़ी तनाव दाड़ी कुखना आमेम नौ में नौकना फ्री के नाम तो वे उनारिया आम फायदा उठो में क्या बनाएगा। और शायद यहाँ पर एक बदलाव के लिए भी तैयारी चल रहा है बहुत जल्द यहाँ बंका बिहार की तरफ से। लेकिन यहाँ पर टीम के स्टार खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मार्शल गुमित के लिए गुमित वहाँ पर सही पोजीशन में पास बढ़ा दिया है रिबाउंड मौका है इस बार यहाँ क्या शॉट लगा पाएंगे। शॉट तो लगाया बहुत ही सही जगह पर वहाँ लखीराव इस बार मौका बना सकते हैं अच्छा क्रॉस। आपको बता दें अभी लखीराम का चयन मेकोन में भी हुआ है और मेकोन में वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बहुत सारे टिप्स वहाँ भी मिलता होगा। और जैसे कि हम लोग मेकोन को जानते हैं मेकोन क्लब झारखंड के सबसे सुप्रसिद्ध क्लब में से माना जाता है। और इसी बीच लखीराम जमीनी पास बढ़ाने के चक्कर में थे लेकिन इसी बीच में फिर से रॉन्ग टैकल। और जिस तरह से आपने फर्स्ट हाफ का जहाँ तक प्ले पोजिशन का बात करें मनोज दा पूरी तरह से हाफ ग्राउंड में खेलते हुए लेकिन ये बदलाव जरूरी था जर्सी नंबर 16 को अब बाहर बुलाया जा रहा है प्रेम हंसदा और उसके स्थान पर नए खिलाड़ी को उतारा जाएगा प्रदीप कुमार। और मैदान में आने के लिए प्रदीप कुमार संभवतः वहां तैयार होते हुए जर्सी नंबर 2 पहनकर तो ये बदलाव कितना टीम के लिए प्रभावी होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही सुंदर तरीके से अनिल का अच्छा शॉट एक मौका यहाँ पर बन सकता है लेकिन फिर से वहां पर डिफेंस लाइन अटैकर टीम के खिलाड़ियों को जिस तरह से वहां गार्ड कर बना करके रखे हुए थे उनको रोक कर रखा गया और इस वजह से गोलकीपर नूनचंद के लिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाफ लाइन से बॉल सप्लायर के पोजीशन में जिस तरह से वहां पर अनिल बहुत ही सुंदर तरीके से अपना भूमिका निभा रहे हैं अच्छा पास यहां पर गुमित नजदीकी मैन को ढूंढते हुए एक मौका यहां पर हो सकता है लेकिन तब तक में वहां पर डिफेंस लाइन फिर से एक बहुत ही सुंदर काम करते हुए अपने टीम के लिए जो खतरा था उसको टाल दिया गया है। तो फर्स्ट हाफ का अगर खेल के अगर पूरा आकलन करें तो दोनों टीम बहुत बबलू लाइट जल रहा है वहाँ लाइट जल रहा है लाइट हाफ टाइम के बाद आप सभी ऑडियंस का स्वागत है और दूसरे हाफ जो आपको बता दें फर्स्ट हाफ की समाप्ति तक इस मैच का स्कोर लाइन 1-0 की बढ़त बनाई हुई है बीर बजल दुमका। अब यहां पर दक्षिणी गोल पोस्ट के ऊपर में अटैकिंग के लिए तैयार जबकि इस एक गोल की बढ़त को वापस करने के लिए अब यहां पर दक्षिणी गोल में यहां पर अटैकिंग करेगी हेमराम ब्रदर्स ज्यादा नहीं है फसला लेकिन बढ़त तो बढ़त है। यहां दूसरे गोल के लिए दिनेश यहां पर स्पेस बनाते हुए खुद को पोजीशन करना चाहते थे स्ट्राइक लेने के लिए लेकिन यहां पर शॉट नहीं लगा पाए जगह नहीं दिया बहुत अच्छे तरीके से वहां पर मार्क करते हुए दिनेश को। तो दूसरे हाफ बहुत अहम यहां पर होने वाला है हेमराम ब्रदर्स के लिए अगर इस एक गोल को यहां पर वापस नहीं करते हैं तो ये क्योंकि सिल्वर जुबली यहां पर वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का ये पहला मैदानी गोल ने मार दिया है दानियल ने जर्सी नंबर 9 पहनकर खेल रहे दानियल टुडू ने सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। खेले गए 2 मैच में यहां पर कोई भी मैदानी गोल नहीं आया लेकिन तीसरे मैच में यहां पर दानियल ने बहुत ही जबरदस्त गोल मार करके अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हुए और देखना होगा तो यहां पर ये दानियल का गोल कितना देर के बाद बराबरी कर पाते हैं। हेमराम ब्रदर्स की तरफ से भी आप देखें तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स का कलेक्शन जरूर है लेकिन वो अपने टीम के लिए यहां पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए और आप समझ सकते हैं बीर बजल दुमका की तरफ से किन किन खिलाड़ियों का कलेक्शन किया है उनके टीम मैनेजमेंट ने तो उतना आसान नहीं होगा यहां पर उसके ऊपर में अटैकिंग करने का। और जिस तरह से यहां जर्सी नंबर 14 में संतलाल को ढूंढ के निकालने का प्रयास यहां पर
राइट विंग के पोजीशन से यहाँ ये अटैक करेंगे अपनी टीम के लिए। और चाहिए इस फॉर्मेट में अटैकिंग फुटबॉल ही आपको यहाँ पर दूसरे राउंड के मैदान पर आपको पहुँचा सकते हैं। फ्लैंक को स्विच कर दिया गया है, मौका है दूसरे गोल मारने का, शॉट बहुत ही बेहतर लेकिन सीधा गोलकीपर नुनचंद सोरेन के ग्लव्स में। यहां पर संभावना जो बना था ये निरस्त कर दिया इस बार दानियल। ये छाए में दानियल का नाम ही आज गूंजेगा और कुछ देर तक जब तक कि दूसरा मैदानी गोल ना आए। बहुत ज्यादा देर तक बॉल को वहां पर होल्ड करते हुए अच्छा स्किल, बॉल पोजीशन अभी भी बरकरार लेकिन पासिंग एक्यूरेसी खराब है तो यहाँ मौका बन सकता था अटैकिंग करने का लेकिन उतना बेहतर पास नहीं निकाल पाए अजय किस्को। बॉल प्ले से बाहर, थ्रो इन के साथ यहाँ पर अब बॉल पोजीशन रखने का मौका फिर से मिलता हुआ बीरबजल दुमका बिहारी बिहारी यहाँ पर बहुत अच्छा थ्रो इन लेते हुए पोजीशन को रखेंगे यहाँ पर दिनेश सोरेन के लिए, माफ कीजिएगा राशिन सोरेन के लिए। मौका है यहाँ इस बार, ये आक्रमण डिलीवरी सही नहीं इसलिए ये क्लियरेंस प्ले से बाहर। तो मन लगता ये एक गोल है ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर किस तरह से इस गोल को बराबरी कर पाएंगे हेमराम ब्रदर्स की तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का कलेक्शन किया उनके टीम प्रबंधक ने तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन फर्स्ट हाफ यहाँ पर निकल गया है हेमराम ब्रदर्स के लिए और दूसरे हाफ का खेल बचा हुआ है उसके पास। बिल्कुल राजेंद्र, वापसी रिया जहाँ तक आम सवाल उठाओ कदा तो वह फॉरवर्ड लाइन रन खिलाड़ी थोड़ा गन अतिरिक्त प्रयास जरूर तक हुआ और मिडफील्डर रन खिलाड़ी हो पंचाव के साथ साथ फॉरवर्ड लाइन रन खिलाड़ी ज़्यादा घोड़ो घोपोड़ो जरूर गया उका गति ते नीत को गति के ना हेमरम स्टार बाका बिहार रन टीम उना गति ते वापसी बांग हुई वो नुआ थोड़ा गान सुधर हुआ थोड़ा गान चढ़ाव कते जमन अपनन टीम रन उका डिफेंडर कान को उनको चितान रे थोड़ा गान प्रेशर हुई मा नुआ प्रेशर लगे कुरुमुटुगी जो तो कोई लटू विकल्प मिला। सही बोल रहे हैं, इस फॉर्मेट में जितना धीमापन है आपके खेल में उसको तेजी लाइए और जितना गति दे सकते हैं अपने आप में उतना ही बेहतर कर पाएंगे, अटैकिंग फुटबॉल ही आपको बचा पाएगा। रामजी मुर्मू जर्सी नंबर 10 में खेल रहे हैं, इसमें में अनुभवी की कमी नहीं है, मैं इसको देखा हूँ इतना बेहतर खेलते हैं। चाहिए यहाँ पर एक गोल अवसर यहाँ पर बन सकता था और एक दो बार गोलकीपर जॉन को भी टेस्ट किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो बॉक्स है मनोज दा 18 यार्ड का बॉक्स उसके बाहर से एक भी अटेम्प्ट नहीं देखा गया। मुझे लगता है एक दो बार आप टेस्ट कर सकते हैं गोलकीपर को, अगर वहाँ से आपका क्वालिटी शॉट हो और टॉप कॉर्नर में तो चांस रहता है गोल होने का। बिल्कुल, जैसे नीत 8 नंबर देवीराम में थियोकिदा नुमकान थियोगी जरूरा अब देवीराम फॉरवर्ड लाइन का हेमराम स्टार दुमका लगे पूरा कोशिश से कोशिश करा उन्हीं गुड़वाई हुआ और ये देखिए नवा नवा जीनीस थोड़ा गान सुधर रिया दरकार लेकिन नुकू हूँ कटे टीम करना राजेंद्र मना हुआ का बीर बजल दुमका को सेटेर करना रक्षापंथी लाइन से लेकर अटैकिंग लाइन जब तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मिना को उन्हें थे जब तक अमा 100% बाम एमा तब तक हम बाम वापसी दड़िया। ये बिल्कुल 100% यहाँ पर एफर्ट लगाना होगा बार बार अटैकिंग, फर्स्ट हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में और बेहतर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं बीरबजल दुमका टीम के प्लेयर्स। और आप सही बोल रहे थे अगर होल्डिंग मिडफील्ड से आपको उतना बेहतर सप्लाई नहीं मिल रहा है बॉल का तो आप खुद भी कोशिश कीजिए और उसके साथ साथ यहाँ पर आप आक्रमण कीजिए। ये चीज़ काफ़ी थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा धीमा खेलते हुए नजर आ रहे हैं हेमराम ब्रदर्स, तो इतना धीमापन भी नहीं। आप तो पहले ही जिक्र कर चुके हैं इस बात का कि जो टीम आई है बीरबजल टीम की तरफ से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो किस लेवल के खिलाड़ी हैं यहाँ पर आप अपने आप को भी देख लीजिए, उसके साथ आप यहाँ पर आप अटैक कीजिए। राम जी बहुत बेहतर स्किल करते हैं और लाजवाब यहाँ पर रिसीविंग राम जी का, यहाँ से शॉट लिया जा सकता है लेकिन इतना दूरी से शॉट नहीं लेंगे तो मैच निर्णायक की बजी है सेल एक सेट पिच, दूरी से मुश्किल है। जॉन किस्को मंझे हुए गोलकीपर हैं और सिर्फ यहाँ ही नहीं और आप जानते हैं हार्ट डुबरिया सिर्फ अभी से नहीं, मैं जब से आया नहीं था यहाँ सिर्फ नाम ही मैंने सुना था
और मैं कमेंट्री शुरू भी नहीं किया था, तब से सुन रहा हूँ। यहाँ का जो लेवल है, जहाँ का जो टूर्नामेंट कराने का जो स्तर है, वो हर जगह से अलग है। डेकोरेशन आप देख सकते हैं, और इस साल तो खास, बहुत खास है। ये सेट पिच मनोज दा एक अच्छे स्ट्राइकर है, यहाँ से गोल करके ये तब्दील कर सकते हैं इस फ्री किक को। बिल्कुल, देवी राम है चलाओ नारस सूट किदार, ये गोल। ओ बढ़िया गेंद थे अलदा देवी राम, गोलकीपर जोन निमार किसकू जहां लिखा कते धकलाव धकलाव कते ने धकलाव उड़ुक किदा थोड़ा गन पसे चो राजेंद्र चितान यो नुआ सोट तहन खाय भाई साहब दाड़ी किया जोन लतार ते है ना इनो खतरनाक भी साबित लेना टप्पा खाने के बाद अंदर की तरह स्विंग कते ब्लॉक कांते ना लेकिन कॉर्नर ची बढ़िया कॉर्नर तकदील हो बांग तकदील ना खतरा टलावना नो नो प्रेशर की एकमात्र प्रेशर तहे कना दबाव तहे कना ओका दो वापसी या चांस बनाओ लेना बहुत बड़ा चांस था। इस मौके को अगर आप बना लेते तो फिर ये बहुत बड़ी राहत, ये शॉट उतना बेहतर नहीं, बॉल प्ले से बाहर ले जाएगी थ्रो इन। तो जिस तरह से यहाँ पर बात ज़्यादा किया जा रहा है, यहाँ पर हेमराम ब्रदर्स के लिए जो चैलेंज बना हुआ है अभी, और इस चुनौती को आपको स्वीकारना ही होगा क्योंकि आपके ओपोनेंट मजबूत हैं, तो आप ही किसी से कम नहीं, अपने आप में समझिए। और मैं देखा हूँ मनोज, आजकल जो पहले से खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो 5 से 8 साल के बीच का जो एक्सपीरियंस है, और उस बीच में जो सबसे बेहतर खेलते हैं खिलाड़ी लोग जो खेलते आए हैं, और नए सितारे जो आजकल उभर के आ रहे हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। भले वो अभी छाए नहीं है, उसका नाम नहीं आया, उतना ज़्यादा उजागर नहीं हुए, वो ऑडियंस से उतना ज़्यादा परिचित नहीं हुए हैं, वो अलग की बात है, वो छाए में रहते हैं। एक दोबारा उसका जिक्र किया जाए तो बहुत बेहतर होता। मैंने देखा है कई टूर्नामेंट में, सिर्फ यहाँ ही नहीं, वो इतना बेहतर खेलते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर जो अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेल के वो पराजमनी को जीत करके आते हैं, उसको हराते हुए हमने देखा है बहुत जगह में, तो ये भी मायने रखता है। तो देखना होगा और कितना टाइम यहाँ पर लेते हैं, अभी तक राहत नहीं मिली है हेमराम ब्रदर्स को। और डिफेंस लाइन का आप बात कर रहे थे, बिहारी हैं श्याम है, श्याम तो स्पेशलिस्ट हैं भाई, इसका हाइट के साथ साथ ये सेंटर डिफेंडर से इतना बेहतरीन डिफेंडिंग करते हैं, क्लियरेंस निकालते हैं, यानी उसके जो ओपोनेंट टीम है उसको उतना जल्दी वो स्पेस देते नहीं है स्ट्राइक लेने के लिए, ये खासियत है श्याम का। बिल्कुल उसूल कुड़ा कना है, हर साथ अनुभवी खिलाड़ी कना है, बाम में ना हर रोज पसे चो फुटबॉल ले गती के ना उन्हें मेहनत कते की आम नुयम पटकाव दड़िया के ना। और ये देखिए प्रदीप कुमार 14 नंबर लगा छोटा सा पास डुक तुलुज नियदम श्याम आर हो भरपाई करते हुए मौका मिला, 2 नंबर जर्सियों का खिलाड़ी लगा चांस मिला, लेकिन चांस रेडांस बांग बनाओ लेना, बांग बनाओ लेना नुआ ये क्लियर ना लगा हुआ मनाया राम जी एकदम लगा हुआ मनाया अड़ा अदाय श्याम नुआ बॉल थोड़ा गन समय ये हताओ दा जोन चिदा जी 1-0 या लीड को हताओ कदा और ना 1-0 मिटन संतुलित लीड बांग कना राजेंद्र ऐसे रे दूसरी गोल जरूरी गया बीरबजल दुमका लगा नू नू खिलाड़ी की गोल कदा नुआ टूर्नामेंट या सबसे बेहतरीन गोल और उन्हें एकमात्र गोल मिताओ में और दान 10 नंबर दिनेश अनुवादी शाहीन शॉट टीम कैप्टन नूनचंदो मौज की साफ कते नुआ बॉल लहारे का ती कदा संतलाल का ती का दिया संतलाल रुकाओ रुकाओ कते गि बाय रुका दड़ी दा बिहारी अड्डी बढ़िया तेरे की दिया गोविंद गार के लिए लेकिन नते कोई साइलेंदर किसकुन जले कना चटकदार शॉट कते एक क्लियर गो कदा हेमराम ब्रदर बांका के लिए कटी कटी पास ओ परिस्थिति को देखते हुए नियदम लंबाई का ती कदा श्याम अनवारे फायदा उठो दड़े कना लेकिन दिलीप बैक हेड पास गोलकीपर नूनचंद लगे जर्सी नंबर 18 गेंद के पीछे रहे लेकिन ज़्यादा फायदा बांग हुआ अच्छा ये खेल बाद उनका खेल हुआ उना खेल दो मैन मैन वा टूर्नामेंट रिया चौथा मुकाबला बीबीसी बड़ा भुड़ाए बटसेस एनएफसी बंडल कलकत्ता वाह कलकत्ता और बड़ा भुंडई तलारे गाती हुई वाह
हदवाबेन मौज थे सजाओ सपड़ा बेन आ नो गोल बुनिया लगी बेहतरीन शॉट और ये गोल दूसरी गोल आता वाह वीर बजल रेन सुपरस्टार खिलाड़ी इनो सूरखो गोलकीपर नुनचन बेचारा चिकाया पहला प्रयास रे रुकाव ले गया लेकिन बॉल छिटके हो चुकी था दूसरी प्रयास रे नुआ दंदनाता वा गोल। और कोटा खिलाड़ी गोल करता थोड़ा जर्सी नंबर दिखा मैं इनसे जर्सी नंबर 6 दो बोले अंटा उकना वीर बजल रन सुपर स्टार खिलाड़ी अजय किसको पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी दानियल टुडुनवा टूर्नामेंट रहे नुआ मैच की गोले मराव किदा जबकि दूसरी गोल अजय कुमार किसको ये मराव किदा और मीटन मजबूत स्थिति रे वीर बजल तुमकार टीम बड़ा अंतर ते जीतो रिया को कोशिश आ चला जैसे गाती अड़ी जबरदस्त को गाती के ना दबाव कते को दहाव का कुआ लेकिन ये दम गोलकीपर मेहनत कते साप कते ने पस कोई लेदा लेकिन भरपाई किदा है और तुरंत की 4 अरविंद लगन ने बढ़ा गो कदा लंबी खतकाटी ने खिलाड़ी 2 अरविंद पूछ गो कदा है सीधे देवीलाल लग लेकिन देवीलाल जब तक पड़ा तब तक रक्षापंथी वीर बजल रन महेश क्लियर किया है और 10 पड़ाव करना तो राजेंद्र नवा मुकाबला रे गीत अभी तेम निल खान एकदम होबी होता हुआ वीर बजल रन टीम नेक्स्ट मैच के लिए नेक्स्ट मैच लेकर बना टीम अब लाइन अप और या चेष्टा है सजाम अपन सजाव से पड़ाव कान गए अब लाइन अप और या चेष्टा है क्रॉस हुई ना मैंने कहा तो गोल हुई पूरी संभावना और इसी के साथ बहुत ही सुपर गोल हो सकता था दानियल कुमार टू टॉप स्कोर बना रिया बॉर्न सुनहरा अवसर इनाम लेता डायरेक्ट हिट और ये गोल लेकिन चीरते हुए गोलकीपर डाइव करते नुआ बॉल डुक किदा ये दम द लाइसिन राइसिना नुआ जबरदस्त शॉट ता है केना वाह तीसरी गोल लगे कुकुर मुटुईदा वीर बजल दुमका कॉर्नर किक जमावरिया मीटन नुआ सुनहरा अवसर कना नुआ सुनहरा अवसर तीसरी गोल लगे हुयुगो हेड स्किल दिखा रिया नुआ सुनहरा अवसर करना बहुत सुपर शॉट लेकिन मार्शल ताकतवर शॉट बाय लगा हेड बाय जमाव दाड़ी दा नतीजा मार्शल आप बहुत खोई गई गेंद गोल लाइन खोई बाहर रहते रामजी लग छोटा सा पास चला गाओ करना बाका लग बाका चंदलाल चीरते भी लाते दिए कहते ना मगर 10 दिनेश कुमार हेमरम छोटा छोटा पास करते लेकिन लास्ट गोल दिया नियतम दास 16 डायरेक्ट हिट और उनका गोल लेकिन काफी खराब शॉट अपने आप को काफी नाराज बनाया लेकिन आम सिराज अड़ी सूर कौन बढ़िया खिलाड़ी अड्डी मौज चकमाई इमाम अकीन थे ना लखीराम बेसरा
मगर शॉट सही तरीके से भाई शॉट जाम लेदा ओना लिखते दो गोल गिनी तभी थे मौजूद बिना दो नंबर जैसे रखा खिलाड़ी प्रदीप इन किताब में खादा अक्सर हुई दड़े खाना लेकिन 14 नंबर कटाव दड़े खाना से बंग जी नहीं श्याम हंसदा भाई कटाव दड़ी दिया देवीराम ने एकदम पोजीशन बनाओ का तहना बाका लग मगर पास ओटे बांग है लेना बढ़िया थे नतीजा नवा मैच रिया एमजल खान 2-0 रिया पहला गोल वीर जर्सी नंबर 9 फर्स्ट हाफ रिगी तन दनाव कते ने गोल लिदा दानियल टुडू जबकि सेकेंड हाफ रिया नवा गोल सहेना जर्सी नंबर 6 अजया तीसरी गोल रिया सजा से पड़ाओ दिनेदान दिनेश कुमार हेमरम अनु चकमा मारे ने कोशिश दा अरेडी मो चकमा माओ दी यार पास वाली बजा डुक कदा लेकिन अंतिम समय रे भरपाई किदा किसको ये देखिए दूसरी गोल तीसरी गोल आए लगा दूसरी हुई दड़िया खाना लेकिन अजय बास की जस्ती पुष्प के लगाते गेंद सीमारी का खोज बाहर दे ये बिल्कुल दो गोल मारने वाले ये पहली टीम बन गई एक तो मैदानी गोल करने वाले पहली टीम बीर बजल दुमका और ये एक नहीं अब दो गोल ये लीड महत्वपूर्ण माना जाएगा एक था तो मुझे लग रहा था ये सामान्य बढ़त एक तरह से बीर बजल दुमका के लिए लेकिन 2-0 जिस तरह से दानियल के बाद यहां पर गोल मार दिया अजय किस्कू ने दिनेश हेमरम क्लोज रेंज में जाएंगे एक नहीं दो को बीट किया और पास आया था यहां पर अजय किस्कू के लिए और नैतिक में लखीराम बैसरा श्याम हेलो दिनेश बहुत अच्छा रिसीविंग दिनेश का और पास निकाला है यहाँ पर लखीराम बिश्रा के लिए और यहाँ शॉट होता ठीक। तो ये दानियल यहाँ आगे निकल जाते हैं दो गोल मारने वाले एक लौते खिलाड़ी अभी तक खेले गए 3 मुकाबले के सबसे अच्छे बेस्ट खिलाड़ी यहाँ पर लेकिन पहले गोल करने वाले खिलाड़ी अभी तक छाए हुए हैं इस मुकाबले के दानियल टुडू आप देख पा रहे हैं बीर बजल दुमका की तरफ से दानियल ने पहला गोल मारा था फर्स्ट हाफ में और दूसरे हाफ में यहां पर अजय किस्कू ने गोल मारा है राउंड गल यहां पर और यहां पर ले जाएगी एक फ्री किक सब्स्टिट्यूशन यहां पर बीर बजल दुमका की तरफ से बीच में अभी भी यहां पर उतारा गया है साइमन टुडू को सब सिटीट्यूट बेंच से यहां पर साइमन को उतारा गया है और मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं है इस मुकाबले में बहुत ही कम समय रह गया है लग रहा है औपचारिकता ही शेष और ये मुकाबले अब धीरे धीरे यहां पर बीर बजल दुमका के नाम और क्वार्टर में आसानी से क्वालिफाई कर लेगी एक गोल रहता तो ये आसानी दिनेश यहाँ पर फर्स्ट टाइम बॉल को यहाँ पर शॉट लेने का प्रयास किया था लेकिन कोई कनेक्शन नहीं लखीराम बैसरा क्लोज रेंज में जाने का पासिंग ऑप्शन यहाँ पर डिलीवरी देंगे कि खुद यहाँ स्ट्राइक लेंगे डिलीवरी दिया और ये शॉट आता हुआ गोल एक नहीं अब दो नहीं अब 3-3 गोल से इस मुकाबले में आगे अजय किस्कू ने बेहतरीन क्लिनिकल फिनिश किया और बहुत ही बेहतरीन असिस्ट यहां पर लखीराम बैसरा का जिस तरह से हम लोग आजकल देख रहे हैं हीरो इंडियन सुपर लीग जो चल रहा है वो लीग में जिस तरह से खिलाड़ी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होता है वही अंडरस्टैंडिंग यहां पर देखने को मिला लखीराम बैसरा और अजय किस्कू के बीच में अब 3-0 की ये महत्वपूर्ण बढ़त ये तो आपको अगले राउंड में क्वालिफाई करवा दिया ये गोल एक गोल रहता और दो गोल रहता तो वो अलग की बात थी लेकिन यहाँ पर 3 गोल की महत्वपूर्ण बढ़त अजय किस्कू ने मार दिया है तीसरा गोल और अपनी टीम की तरफ से और अजय किस्कू यहाँ पर एकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अभी तक 3 मैच खेले गए हैं और 3 मैच में कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर 2 गोल नहीं मारे हैं और ये श्रेय जाता है अजय किस्कू को और हैट्रिक का ये बहुत बड़ा चांस और एक अटैकिंग यहाँ पर हो जाए और अजय किस्कू को यहाँ असिस्ट किया जाए गोल करवाने के लिए तो 3 गोल और हैट्रिक यानी आज के दिन में ये तीसरा मैच में ये हैट्रिक होने की यहाँ पर अभी भी संभावना
बचे हुए और कुछ मिनट्स का खेल यहां पर शेष है और देखना होगा कितना देर के बाद यहां पर मैच निर्णायक की फुल टाइम यहां पर सिल बजती है। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं। तीसरे गोल के चौथे गोल की तरफ बहुत बेहतरीन और ये क्या हेडर गोल होगा। दानियल भी मार सकते थे यहाँ। दानियल को जिस तरह से ढूंढ के निकाला गया था बिल्कुल पासिंग एक्यूरेसी 100% सही, हेडर लगवाने का प्रयास, ये असिस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। आज लक्ष्मण बेसरा गोल नहीं मारे तो क्या हुआ, ये गेम मैकर है, अगर गेम को बनाया है तो इन्होंने बनाया है। ये आज इसको हम देख रहे हैं कि लेफ्ट विंग के पोजिशन से खेल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपने टीम के लिए पूरी तरह से। वीर बजल टीम के जो प्रबंधक है अभी तक अपने टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नजर होंगे, आज आ रहे होंगे जो डगआउट में होंगे, बैठे होंगे अपने अतिरिक्त खिलाड़ियों के साथ में, बिल्कुल मजे में होंगे। और काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है हेमब्रम ब्रदर्स टीम के खिलाड़ियों का, अभी तक उनकी टीम की तरफ से एक भी गोल नहीं आया है। अजय किसको, एक नहीं दो को बीट करके आगे निकले, बहुत बेहतरीन स्किल, लेकिन ये पास इस बार दानियल के लिए चैलेंज आया। गोलकीपर का आज अच्छा कीपिंग नहीं रहा है नूनचंद सोरेन का, उनके ग्लव से लगातार आज बॉल फिसलती हुई नजर आई है और बाहर आई है बार बार बॉल उनके ग्लव से, इसलिए आज उमदा कीपिंग नहीं कर पाए हैं। ये आज निराशाजनक कीपिंग रहा है नूनचंद का। मनोज ना आप इसको देखे भी होंगे दूसरे टूर्नामेंट के मैचों में इन्होंने कितना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, अच्छी कीपिंग करते हैं अपने टीम के लिए। सरी कथा कना राजेंद्र, बिल्कुल राजेंद्र पीटीएन मजा हुआ गोलकीपर करना है, लेकिन दूसरा चौथा गोल लगा लुखीराम बेसरा अंततः आया खाता ही खुले मैंने कान तहे ना, लेकिन ऑफ रेत नहीं कते खाता ही खुले किदा सुनाए ते मानिए बांग हुई लेना ऑफ साइड चुईना है लुखीराम थोड़ा गन लहे तहे कना असिस्टेंट रेफरी जगबंधु दास उका कमी जरूर कना या उना कमी पूरे किदा और उका मनसूबा तहे कना लुखीराम मोन रगी तहे ना कम से कम मीटे गोल जरूरा ढाका अलग और नू नू खिलाड़ी हेट्री का चुई जरूरा नीन मान मेनान नीतो दो जय किसको बार बार मौका एमाइल खान फायदा हुई गो चा जे नू हेट्रिक रे मिनाय अब दो गोल दगा चुके उकदा सेकेंड गोल अजय किसकुआ खाता लगी तीसरा गोल हो अजय किसकुआ खाता लगी और चौथा गोल दगा खान हैट्रिक करने वाले नई पहील खिलाड़ी तिहिने बना राजेंद्र जी। बिल्कुल सही बात है, इसको असिस्ट जितना ज्यादा करें इसको आप रखिए आगे में और इसको आप असिस्ट कीजिए। जिसका बात हो रहा है वो उम्मीदों पर क्या खड़े उतरेंगे, रनिंग बैक ये ऑफसाइड में थे इसलिए ऑफसाइड का एडवांटेज पहले से यहां पर ले रहे थे अजय किसको असिस्टेंट रेफरी जगबंधु दास वहां पर अपना फ्लैग को हवा में उठाते हुए और ऐसे में जो चांस था हैट्रिक मारने का ये चांस अब नहीं और देखना होगा बचे हुए और बहुत ही कम समय देखना ही नहीं कम समय में क्या यहाँ पर एक टीम से वापसी करेंगे शॉट लेकिन डिफेंसिव हेडर इतना ही जबरदस्त दूरी से लिया हुआ शॉट डिफ्लेक्शन के बाद बॉल निकलेगी गोल लाइन से बाहर और यहाँ वीर बजल टीम के किसी भी खिलाड़ी को ये बॉल छू करके बाहर नहीं निकली है तो छोटा गोल किक के साथ यहाँ पर खेल एक बात से जारी। अजय किसको आगे आएंगे और क्या हैट्रिक लगाएंगे और एक गोल अगर मार देते हैं तो हैट्रिक बॉल को प्ले में नहीं रोक पाए ले जाएंगे गोल की और इसी के साथ मैच निर्णायक के फुल टाइम चल और ये इस मुकाबले को यहां पर जीत लिया है वीर बजल दुमका ने और क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया है। ये मैच खेला जा रहा था ग्रुप ए से और ग्रुप ए से ये दो मैच खेला जा चुका है अभी तक और ग्रुप ए से जो पहला मैच खेला गया था कृषि क्लब नारायणपुर वर्सेस पुरैया हाटपुर।